आगरा से आ रही है बड़ी खबर। यूपी राजस्थान बॉर्डर पर राजस्थान डिपो की 20 से अधिक बसें पहुंची। प्रवासी मजदूरों को उनके जिले तक पहुंचाने के लिए पहुंची हैं बसें। कांग्रेस की तरफ से की गई है बसों की व्यवस्था। राजस्थान यूपी बॉर्डर पर खड़ी है मजदूरों को ले जाने के लिए बसें, लेकिन सरकार की परमिशन न मिल पाने के कारण आगरा में नहीं आ पा रही बसें। राजस्थान बॉर्डर पर जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आगरा पुलिस ने किया बॉर्डर से वापस। अजय लल्लू को बिना परमिशन के नहीं जाने दिया गया राजस्थान यूपी बॉर्डर पर रोका गया। आज प्रवासी मजदूरों को बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पहुंचे थे अजय कुमार लल्लू। प्रदेश अध्यक्ष जी, बॉर्डर पर जो बसों को रोका जा रहा है, कांग्रेस सरकार की तरफ से 1000 बसें लाई गई थी, उनके बारे क्या कहना आपका? देखिए, हम लगातार प्रयासरत हैं कि हम मजदूरों की मदद कर सकें, उनके दुख दर्द को बांट सकें, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। 16 तारीख को आदरणीय प्रियंका गांधी जी का पत्र लेकर हम लोक भवन गए, हमने 1000 बसों की अनुमति मांगी। 16 तारीख को सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। 17 तारीख को हमने इसी बॉर्डर पर 500 बसें लाकर खड़ी की। 500 बसें खड़ी करने के बाद भी दिन भर हम इंतजार करते रहे, 17 तारीख को सरकार ने अनुमति नहीं दी। कल 18 तारीख को जब हम 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सरकार से पुनः अनुमति की अपील करते हैं, तो कल आनन फानन में 4:10 पर प्रमुख सचिव गृह का आदेश जारी होता है कि हम बसें लेने के लिए तैयार हैं। उनके बाद रात को 8 बजे कांग्रेस पार्टी, जो उनके द्वारा मांगी जाती है कि आप 1000 की बसों की सूची और नंबर दीजिए, 8 तारीख को हम लोग बसों की सूची और नंबर 8 बजे रात को उनको देने का काम करते हैं। 11:50 पर फिर प्रमुख सचिव अवस्थी जी का एक व्हाट्सएप आता है कि आप सवेरे 9 बजे लाकर बसों को लखनऊ के वृंदावन में खड़ा कर दीजिए। रात को 11:50 पर इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी कि सवेरे 9 बजे लाकर खड़ा करने की? और फिर जब हमने पहले दिन कहा था कि 500 बसें हम नोएडा और गाजियाबाद देने के लिए प्रतिबंधित हैं और हम पूरी संकल्प के साथ मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाना चाहते हैं, फिर आज दिन में 11 बजे यह कहा जाता है कि 12 बजे तक आप हमें बसों को दे दीजिए। सरकार जानबूझकर गरीबों का मजाक उड़ा रही है, जानबूझकर मजदूरों के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रही है, अमानवीय व्यवहार कर रही है। कांग्रेस पार्टी संकल्पित है, हमारी बसें लगातार खड़ी है। हम बसों को लेकर सरकार ने कहा है नोएडा गाजियाबाद हम लेकर जाएंगे और मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने यहां पर 1000 बसों की दावा किया था, यहां 15 से 20 बसें, क्या कहेंगे? आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं बसों की रेला यहां लगी हुई है, लगातार बसें आ रही है। आप गिनती कर लीजिए, आइए मैं आपको गिनती कराता हूं। आप गिनती करा दे, आइए चलिए। 600 बसें एक भी कम हो और 400 बसें आ रही हैं, 10-15 मिनट में पहुंच रही हैं। 1000 बसों को लेकर हम पहुंचेंगे। हमको सवेरे रात को 12 बजे सूचना दी जाएगी तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, और हम बसों का नंबर दिए हुए हैं, हम प्रतिबद्धित है इसके लिए, संकल्पित है कि हम बसों को देंगे। 1000 बसों को हम उनको शाम तक कहे देने के लिए शाम तक उनके बसों को देंगे नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर। अध्यक्ष जी, लॉकडाउन को लगभग 2 महीने का समय पूरा होने को है, इससे पहले इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं की और रही आज से के बाद ही ये सब क्यों हुआ? देखिए, सरकार लगातार मजदूरों की बेवसी का फायदा उठा रही है, उनका